أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। गुज़िश्त इलेक्शन जब से हुए हैं उसके बाद पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने तीसरा हमला किया है पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर। ये तीसरा बड़ा हमला है। पहला हमला उन्होंने किया था कमिश्नर का बयान, जो कि जाली साबित हो गया। कमिश्नर अपने बयान से दौड़ गया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि बैरिस्टर गोबर, मेरा मतलब है गौहर जो है, वो और उमर अयूब दोनों फंस गए। दोनों के साथ उसकी कन्वर्सेशन है। वो जो जिब्रान लियास की लंदन के अंदर जो पूरी मैनेजमेंट चल रही थी वो भी सामने आ गई, और किस किस को इन्वॉल्व करना है सदीक जान से ले के और बड़े बड़े जैद और नामी ग्रामी लोगों तक, उनकी भी औकात पता चल गई कि वो किसके किस कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहे थे। पहला हमला तो वो था। दूसरा हमला भी उन्होंने किया, वो भी नाकाम हो गया। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था उसकी तफसीलात हम अलग से व्लॉग के अंदर अर्ज कर चुके हैं। वो बहुत जल्द एक घंटे के अंदर अंदर पीएमएलएन के वॉलंटियर्स थे या कुछ हमारी तरह के लोग थे, उन्होंने उसको बेनकाब करके रख दिया। और पीटीआई को ये दो शिकस्तें चाटना पड़ी। ये पीटीआई वो है जिसका सोशल मीडिया के ऊपर तूती बोलता है, और उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात कर दें तो आपका जीना हराम कर देते हैं। मैंने कई कई दिन ट्विटर और फेसबुक बंद रखा है, इतनी गालियां बकते हैं। इनकी तो औरतें फलक जवेद जैसी काबू नहीं आती, ठीक है, वो मर्दाना गालियां बकती हैं। तो लेकिन आप देखिए कि इस काउंटर अटैक का नतीजा ये नहीं हुआ कि इनके जितने जर्नैल हैं, इमरान रियाज खान से लेके सदीक जान और जिब्रान अलियास और शहबाज गिल, सारे अपनी ट्वीटें डिलीट करके भागे हैं। तो क्यों भागे हैं, उसके दो पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो उन्होंने जो मकासद हासिल करने थे कर लिए, जहालत को जहाँ तक पहुँचाना था पहुँचा लिया, और अब मकासद चूँकि हासिल हो गए तो लिहाजा ट्वीटें डिलीट करो और अपने सबूत मिटाओ। हालांकि ऐसे तो सबूत नहीं ना मिटते। और दूसरा ये है कि वो ये वाला गंद उठा के किसी नए गंद की तैयारी कर रहे हों, ये भी मुमकिन है। अच्छा, ये जो है ये क्या है, मतलब जिसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ समझने और समझाने के लिए। एक मुकदमा था जी कादियानी, एक शहरी है, उसके ऊपर कि उसने जो है वो अपनी एक तफसीर है कुरान की उनकी, वो शाया की है और उसको आगे फैलाते हुए पाया गया है, जो कि 2022 के अंदर एक फौजदारी कानून के तहत एक गैर मतलब फौजदारी एक्ट के तहत आ चुका है, गैर कानूनी सरगर्मी है जिसके तहत बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये उसके ख़िलाफ़ दो इल्ज़ामात थे। मैं आपको उसकी टेक्निकल डिटेल पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, आपने मेरे साथ रहना है ताकि आप बात को समझ सकें। यहाँ पे एहतशाम अलाई ज़हीर और हिशाम अलाई ज़हीर जैसे जो दोस्त हैं वो भी गुमराही का शिकार हो गए हैं। फिर हमने माहरीन से बाकायदा रबता किया है, तो उनको ज़रा ब्रेक पे पैर रखना चाहिए। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, वो भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर वो इस्तेमाल हो गए हैं और इस्तेमाल भी पीटीआई के आते हुए। इसके ऊपर खत्मे नबूवत के और एक अहम खत्मे नबूवत ने एक अहम वीडियो जारी की थी, जामिया बनोरिया के एडवाइज़र हैं, शरिया एडवाइज़र हैं, उन्होंने इस मुकदमे को पढ़ा और उसकी बाकायदा तशरीह जारी की। ये कल ही जारी हो गई थी वीडियो, लेकिन इन तखरीबकारों ने, इन बदजातों ने उसके बावजूद ऐसा सोशल मीडियाई हमला किया है कि फिर उन्होंने जाली किस्म की तहरीक लबैक की आईडीज बनाई और उससे काजी साहब के कत्ल के फतवे भी जारी करवाए उस जाली आईडी से, और कहा कि ये साथ में ये प्रोपेगेंडा किया ना कि लबैक वालों को तो फैज़ाबाद का दुख है ना काजी के खिलाफ, ये साथ में तब ये बड़े मल्टी लेयर इनका प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है, क्योंकि रूस और तुर्की से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। तैयब एर्दोगान दी तो प्यूटन दी ट्रेनिंग है पायन। तो आजो फिर हम चलते हैं उस फैसले की तरफ। मुलजम के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 सी और 298 और पंजाब के अशात कुरान एक्ट की दफ़ा 7 और 9 के तहत
6 दिसंबर 2022 को इस वजह से FIR दर्ज कराई गई कि मुलजम पर इल्ज़ाम था कि वो कादियानी मज़हब की मशहूर ज़माना तफसीर तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्वस है। खलासा यानी मुलजम पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ाम लगाए गए। नंबर 1, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 की दफ़ा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम का इल्ज़ाम, नंबर 1। नंबर 2, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत तोहीन कुरान का इल्ज़ाम। और नंबर 3, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C के तहत कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके करने का इल्ज़ाम। मंदरजा बाला इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR के इंदराज के बाद बिल आखिर मुलज़म को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बिल तरतीब 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट से मुलज़म की ज़मानत खारिज हो गई, जिसके बाद इस केस की इब्तदा सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा पर मुश्तमल 2 रुकनी बेंच के सामने समारत के लिए मुकरर हुआ। इस 2 रुकनी बेंच को कानूनी ज़ुबान के अंदर पटिशन बेंच भी कहते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि मुलज़म की जानब से ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त, और दूसरा मुलज़म पर फर्द जुर्म में आयद किया गया इल्ज़ाम, इस फर्द जुर्म से मुख्तलिफ़ जराइम को हज़फ करने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में मुलज़म के वकील ने पहला नुक्ता ये उठाया कि मुलज़म के ख़िलाफ़ 6 दिसंबर 2022 को जो FIR काटी गई, इसके मुताबिक मुलज़म पर यह इल्ज़ाम है कि इसने 2019 में तफसीर सगीर तकसीम की, जो कि पंजाब के अशात कुरान के तहत जुर्म है। लेकिन याद रहिए, याद रहे कि ऐसी किसी तफसीर के तकसीम करने पर पाबंदी 2021 में लगी, यानी तरमीम की गई अशात कुरान एक्ट के अंदर, ये तरमीम की गई पंजाब के अंदर, और ये जो है 2021 के बाद अगर कोई तफसीर जो है तकसीम करेगा, तफसीर तकसीम करेगा, तो वो इस जुर्म के ज़िम्मे में आएगा ना, क्योंकि कानून के अंदर ये वाला के तकसीम करना भी जुर्म है, तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा ये कि फौजदारी मुकदमात में बर वक्त FIR दर्ज करना जो है वो बड़ी अहमियत का हमल है, बिल्कुल बजा। लेकिन इस केस में 2019 के इल्ज़ाम के बारे में FIR 2022 के आखिर में दर्ज की गई, जो कि FIR दर्ज करवाने वाले की बदनीति का इजहार है। अब जनाब, इस हवाले से आईन का आर्टिकल 12 नहायत वाज़े है, जो कि सराहत के साथ ये कहता है कि किसी भी मुलज़म को ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती कि जब उसने वो जुर्म किया था उस वक्त किसी कानून के तहत वो जुर्म नहीं था, और बाद में उस एक्ट को, उस अमल को जुर्म करार दे दिया गया, तो वो पिछली दफ़ा जो, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली यार, पिछली तारीखों से किसी कानून का इतलाक नहीं हो सकता। ये दुनिया भर के अंदर कानून एंग्लो सैक्सन लॉ हो, उसकी बुनियादी स्पिरिट होती है, तो वही उन्होंने वहाँ पे प्लीड किया। तफसीर सगीर की तकसीम का मामला वाजे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकिया 2 इल्ज़ामात, यानी तोहीन कुरान और ख़ुद को मुसलमान जाहिर करना, उन्होंने कहा कि ये दोनों इल्ज़ामात जो हैं इसके तहत ना तो पुलिस ने FIR में कोई इल्ज़ाम लगाया है, और ना ही चालान जो है उसके अंदर इस बाबत में कोई ज़िमनी वगैरह डाली गई है। इस वजह से अदालत ने इन दोनों इल्ज़ामात को
FIR से हजफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि दो सवालात थे तो पहला मामला वाज़े करने के बाद फैसले में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का हवाला दिया गया, सूरह बकरा की आयत नंबर 256, सूरह रात की आयत नंबर 40 और सूरह यूनस की आयत नंबर 99। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद मुलज़म से ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी का जो है वो रुख किया। मुलज़म की जानब से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मुलज़म पर फर्द जुर्म तो फौजदारी कानूनी तरमीम एक्ट 1932 के दफ़ा 5 के तहत आयद ही नहीं की गई, ठीक है, जो उसके ख़िलाफ़ FIR में जो जुर्म मेंशन किया गया या अदालत के सामने पेश किया गया, उसने कहा कि जनाब वो तो मुकदमे के अंदर FIR में उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ वो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं गया। और लेकिन FIR और चलान के मंदरजात से ये मालूम होता है कि मुलज़िम ने ये मंदरजा बाला दफ़ा के तहत जुर्म किया है, मतलब वैसे पता चलता है। इसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं और मुलज़िम तकरीबन 13 माह से जेल में। तो जब वो अपने जुर्म की असल सज़ा से ज़्यादा अरसा जेल में काट चुका है तो फिर ज़मानत तो उसका कुदरती हक बन जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसके अंदर इस कानून, अगर वो जजमेंट आप पढ़ जाइए तो उसके अंदर उन्होंने बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का ज़िक्र किया, लेकिन कहा कि मतलब आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 22 है, इसके तहत एक शख्स को कानून ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कारोबार कर सके, अपनी मर्ज़ी के नज़रियात रख सके, कानून उसको इजाज़त देता है। उन्होंने ये इन तीनों कवानीन का या चारों कवानीन का हवाला दिया और उसके बाद कहा लेकिन ये सब्जेक्ट टू लॉ है, जो कानून बाकी जो कानून है उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ इन्हीं तीनों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कोई शख्स जो है वो जाली कुरान अगर शाया करता है या तहरीफ शुदा कुरान शाया करता है तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है, ये काजी साहब ने लिखा है इस जजमेंट के अंदर। लेकिन इसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके, इसकी मिस रिप्रेजेंटेशन करके PTI के सोशल मीडिया ट्रॉल ने काजी साहब को तोप के दहाने पे खड़ा कर दिया और अब जाली आईडी से उनके कत्ल के फतवे भी जारी कर रहे हैं। और जितना बड़ा ये माफिया है, जितने बड़े ये क्रुक हैं, कोई पता नहीं है कि ये काजी साहब के ऊपर किराए के कातलों से, वैसे भी KP के अंदर किराए के कातल तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और वहाँ पर उनकी हुकूमत है, बल्कि एक किराए का कातल ही जो है जिसने अपने भाई को कत्ल किया हुआ है और जिसने अपने मुखालफिन को भी कत्ल किया है, FIR में नामजद है, वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो गया है, तो क्या बईद है कि वो काजी साहब के ऊपर भी हमलावर हो जाए। इसके लिए वो माहौल बना रहे। इसके अंदर जो भी फ्रंट रनर हैं, जो अपनी ट्वीटें डिलीट भी कर गए हैं, इमरान रियाज और इनकी सूरत के अंदर सदीक जान की शक्ल के अंदर और फलक जावेद की शक्ल के अंदर, इन तीनों असहाब को जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अवाम को गुमराह करके एक काजियुल कुजा की जान को ख़तरे में डाला है ताकि ये अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें, काजी साहब की ज़ात को कंट्रोवर्शियल बना सकें और काजी साहब जो इनके जाली क्या होते हैं फॉर्म 45 के सामने बंद बांध के खड़े हैं, वो अपने आप को उस जगह से हटा लें और बाकी जजों को प्रेशराइज करके अपने मर्जी के बेंच से ये फैसले ले सकें। तो इंज तो नहीं होना पाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि हम तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हों, इन शरपसंदों को जब तक कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, ऐ जुर्म कीता है ना, हूँ फड़ो इमरान रियाज में, ऐस जुर्म में पकड़ो जो उसने मुआशरे के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की है, इस जुर्म में पकड़े। आप उस जुर्म में पकड़ते हैं जिसके जो कि मेंशन ही नहीं कहीं होता, इस जुर्म में पकड़े इसको। खाकसर कभी भी आपको सिफारिश नहीं करेगा कि क्यों पकड़ा, ठीक है ना। सदीक जान को इस जुर्म में पकड़े, यार कितनी बड़ी उसने आग लगाई है, ठीक। वैसे सदीक जान जो है वो किसी का तस्वीर आती है सासा भी है, ठीक है ना। और उन काजी साहब आपने ही इनके खिलाफ जो थी वो FIA के नोटिस वापस करवाए थे, तो भुगतो फिर। अगर ये लोग FIA जा रहे होते तो ये तो ना होता सर, ठीक है ना। हाँ बस हमने तो काजी साहब को सलूट ही मारना था,
ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਰ ਲਕੀਰ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਦੱਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਸੀ ਅਦਾਲਤ ਸੇ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਆਪਨੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਟੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਸਰ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਜੇਜ਼ ਚ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਅਦਲੀਆ ਕੇ ਜੱਜੋਂ ਕੀ ਲਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਜੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕੁਕਰੇ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਬ ਖਾਕਸਾਰ ਕਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਜਾਤਾ, ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਰਗੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਅਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਮੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ।